नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। किसान स्वाभिमान एसोसिएशन ने बढ़ाया अपना कुनबा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुजफ्फरनगर अध्यक्ष की कमान उमेश कुमार शर्मा को सौंपी। जनपद मुजफ्फरनगर में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन की एक बैठक में एसोसिएशन अध्यक्ष ठाकुर अमरीश राणा की अध्यक्षता में मुजफ्फरनगर में हुई, जिसमें नगर अध्यक्ष की कमान उमेश कुमार शर्मा निवासी आदर्श कॉलोनी मुजफ्फरनगर को सौंपी गई, जिसमें एसोसिएशन के मुख्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा द्वारा कहा गया कि किसान स्वाभिमान एसोसिएशन किसान मजदूर हितार्थ कार्य निस्वार्थ करती आई है और नवनियुक्त पदाधिकारीगणों से भी एसोसिएशन की अपेक्षा होती है कि किसान मजदूर की सेवा का भाव हर पदाधिकारीगण का निस्वार्थ होना चाहिए। संगठन को उमेश शर्मा से अपेक्षा है कि अपने पद की जिम्मेदारी व निर्वाह सफलतापूर्वक करेंगे। उपस्थित पदाधिकारीगणों में ठाकुर बबली राणा, प्रदेश प्रभारी अजय राणा, जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरफान, ठाकुर शुभम राणा, ठाकुर राकेश राणा, महिपाल शर्मा, मोहम्मद कासिब कालिम और काफी संख्या में उपस्थित स्थानीय किसानों की उपस्थिति में पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्राइम न्यूज 24 से विशाल प्रजापति मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। मेरा नाम है शर्मा। शर्मा जी, क्या बनाया गया आज आपको, क्या जिम्मेदारी? आज मुझे जिम्मेवारी नगर अध्यक्ष के पद की दी गई है। ये किसान स्वाभिमान एसोसिएशन किस तरह की कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए आपके कार्य रहेंगे? जनता के लिए क्या, किसान के लिए जो भी कार्य होंगे उसके लिए हम संघर्षरत रहेंगे। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के सामने? किसान की फसल का पेमेंट टाइम से और उनका मूल्य सब, मजदूरों का सम्मान करते हुए हर पेमेंट हर भुगतान वक्त से होए। किस तरह का महसूस दे रहा आज नगर अध्यक्ष बने हैं आप? मुझे अपने संगठन से जुड़ने के बाद गर्व महसूस दे रहा हूँ। आपका नाम? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा। वर्मा जी, आज सुरेश शर्मा जो नगर अध्यक्ष बनाया, क्या है ये? एक जुझारू व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है और कर्मठ, और गरीबों के लिए और किसानों के लिए रात दिन लड़ाई लड़के उनका हक दिलवाने का काम करेंगे। आज नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। जी जी। किस तरह का कार्य कर रही है संगठन? संगठन किसानों के लिए पूरा कार्य करेंगे। जिस का भी ये पता चल जाएगा भाई वहाँ शोषण हो रहा है किसान का या मजदूर का, उसी का एकदम पूरा साथ दिया जाएगा।